कैसे आए थे आप जी आपके यहाँ? मेरी लड़की के, मैं करोल बाग गई थी, मेरी लड़की की तबीयत खराब थी तो मैं उसकी दवाई लेने गई थी। वो आई थी ना अभी गुरु ही सत्संग करने, उन्होंने बोला था कि उनकी दवाई ले और आराम आ जाएगा। मैं वहाँ लेके गई, वहाँ से दवाई लाई तो फिर दवाई से भी उसको तबीयत और ख़राब होने लगी। कुछ ऐसे उस पर उठा देवी देवता ने, फिर उनने दिल से बापू जी को पुकारा। वो रोती रोती बापू जी को याद कर रही, उन्होंने बोला बापू जी आइए। और काफ़ी देर तक उन्होंने घर में रखी हमारे बापू जी नहीं, रात हो गई थी, जब आरती का समय हो गया बापू जी कहने लगे अब मेरे जाने का वक्त है और तू पूजा कर और भोग के लिए लड्डू मंगा बेसन के। मैं कि बूंदी के मंगाऊँ ही बेसन के, कह रही बेसन के पसंद है मुझे। हाँ तो फिर ये लड्डू लाए, उनका मैंने भोग लगाया और कुछ मैं घर में उन्होंने प्रसाद बताया। और जिन्होंने मुझे नाम दिलाया था ना, कुछ मैं कह रहे चार लड्डू वहाँ लेके दियो और जो है एक वहाँ लगाइयो भोग उनको और एक हनुमान जी को लगाइयो। क्या नाम आपका? क्या नाम? मेरे नाम सुमित्रा है। कहाँ रहते हो? यहाँ कांति नगर। अच्छा अच्छा, अभी आपकी बेटी ठीक है? हाँ मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। कब की बात है? रात की, कल रात की। हाँ आज की तारीख है? अच्छे है, 5 तारीख की बात। हाँ अब कह रहे थे जैसे सब बताते हैं बात, ऐसे ही तू भी सबके सामने बताएगी ना, शर्माएगी तो नहीं? मैं कि नहीं शर्माऊंगी। मुझे बहुत खुशी हो रही थी, कितनी देर तक मेरे गुरुजी ने मेरे पहाड़ सब कुछ मुझे बहुत मेरे सब, मैं बताती हूँ, मेरा आदमी मेरा लड़का ये माला नहीं करते थे जब सब आप थे, मैं मेरे लड़की करती थी। अब बापू जी ने सबसे हमारी बनवाई तो सबसे कह रहे अब से करोगे क्या? हाँ बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कि बस मैं तो धन्य होगी बापू जी के पैर छू के, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। सही बात है, गुरुजी जहाँ आ जाए क्या? तो सोच रहे थे सपने में आए? नहीं सपने में तो मेरे पहले आए थे, जिस दिन मैं दीक्षा ली थी पिछले साल में आए थे ना डिब्बा लेके, सपने में कम मिले आए थे लेकिन रात मेरे हकीकत में आए थे, बिल्कुल बात कर रहे थे। और क्या बात है? सब बहुत बातें मतलब जो भी